को ठीक है ई गठ दा ये बोले तबरे दाम वाला बता दे दाम वाला क्यों तेल आई है ए जगह ना ठीक है हेलो वीडियो भी राम राम जी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में दो शादियां हैं जो इकट्ठी है लगातार। तो पहली शादी में भी हम धाम बोलने गए थे, लेकिन वो पूरी वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, वो मेरे से बनी भी नहीं थी पूरी। तो हम किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से वह मस्ती करते हैं, तो आज की जो वीडियो है ना मेरी धाम बोलने की, वो पूरी है। तो ये है मासी, इनके लड़के की शादी है, तो ये मीठा मुंह करवा रहे हैं इधर, क्योंकि हम अब आगे ना धाम बोलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारी औरतें जो हैं वो तैयार होके आई हैं और ये यहाँ पे बर्फ़ी बांट रहे हैं। तो इनका बेटे का नाम है निपुण, जिसकी है शादी। तो पहले वाली जो शादी थी वो थी मोनी दीदी के लड़के की, उसका नाम था काकू, असली नाम तो मुझे मालूम नहीं लेकिन काकू बोलते थे। तो आज है निपुण की शादी। तो निपुण की शादी में हम आए यहाँ पे, यहाँ पे अब हम चले मंदिर, क्योंकि मंदिर से ही मैंने आपको बताया था कि वहाँ से ही आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब सब इकट्ठा हो रहे थे, तो जो कुछ कोई रह जाती है औरत ना, वो मंदिर के पास आ जाती है, तो वहाँ से आगे जाती है। ये बहुत ही एक अच्छा रीति रिवाज है हमारे पहाड़ियों का। तो यहाँ पे भी हर गांव में नहीं है, क्योंकि हमारे मायके में ऐसा रिवाज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था ये कुछ गांवों में हमारे यहाँ पे है। यहाँ पे सब महिलाएं जो है ना वो तैयार होके धाम बोलने जाती हैं और ग्रुप बन जाते हैं, दो तीन ग्रुप बन जाते हैं, जिसने जिस ग्रुप में रहना है तो वो उसी ग्रुप में रह के साथ होता, अपना अपना साथ होता है, और मतलब वो दिन बड़ा अच्छा होता है। दो तीन घंटे लगाते हैं हम चार घूमने में। तो यहाँ पर आए थे हम मैंने बोला मुझे हील लगी हुई साड़ी लगी हुई है ना, क्योंकि साड़ी में मुझे कंफर्टेबल नहीं होता, हमें आदत नहीं है ना साड़ी लगाने की, हमारे यहाँ पे ज़्यादा सूट लगाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज इतनी देर के बाद कोई फंक्शन आए तो साड़ी लगा देते हैं, तो इसीलिए मैंने साड़ी लगाई। और मैंने कहा मैंने रोड किस इस पर चलना है, मैंने नहीं जाना वो थोड़ा सा वो होता है ना रास्ता, कच्चा रास्ता। तो ये था हमारा ग्रुप, तो बड़ा अच्छा ग्रुप था, हमें बहुत मज़ा आया। बाद में हम जहाँ जहाँ जाते थे ना फ़ोटो खींच रहे थे, तो ये कुछ हंस रहे थे, पता गाड़ी के पास ही फ़ोटो रहा, इतनी अच्छी सीनरी है। फिर आए हम यहाँ पे जमीन पे, वो हंस रहे थे, बोलते आप ये फ़ोटो मत खींचो मेरा, मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ मैं, देखो आप ऐसे ही दिखोगे, अब बूढ़े कभी नहीं होंगे, आप ऐसे ही दिखोगे जवान। तो हंसी हंसी मजाक हो रहा था, तो ये धाम बोल रहे थे, इस तरीके से हमारे यहाँ पे धाम बोलते हैं। फिर यहाँ पे आए हम, ये देखो ये हमारी दुमेल की रोड है, और यहाँ से हमारा गांव जो नीचे दिख रहा है ना वहाँ पे हमारा गांव है, और ये देखो चारों तरफ पर्वत, इतना खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ पे से हम चले अब आगे की ओर, तो इस तरीके से आप बोलते हैं हम धाम। देखो मैं आप बताती हूँ हम किस तरीके से हम धाम बोलते हैं। ये है हमारा एक छोटा सा ग्रुप जिसमें हम चले हैं धाम बोलने। तो धाम बोलने का हमारा जो स्टाइल है वो कैसे आज राती 9 बजे नींदी काला शांत पे लाई टबरे धाम सब जी रिक्वेस्ट के तो जोतम सब टबरे जन धाम खान और एंजॉय करन लारो। हां तो जतरे वीडियो ला नेज ने तो सारे बुद्ध के जो देखेगा हमारे वीडियो उनको भी हम धाम बोल रहे हमारे तरफ से। एंड इस पिटाई पर छेले सर समझ नहीं अब नहीं जिता से शिकाली ना फिर है ना इसी भाषा बड़ी छेले थे एक एक बार तू भी यार ये इस ग्रुप में ऑफ मिस वो थी जब फोटो में थी किसने तब भी यार इधर दे आ कोरी मैड में वार वार तो छेपता नहीं था है ना उन्हीं की ठग रूंगा तो बस वैसे ना। ये देखो जो भी हमें दिखते हैं ना मतलब घरों में बाहर आ जाते हैं, जैसे औरतें आती हैं तो बाहर आ जाते हैं कि धाम बोलने आई हैं औरतें, तो शौक भी होता है सब तैयार श्यार होके आते हैं तो देखने के लिए। तो यहाँ पे तानू आंटी बोल रहे हैं धाम, तो नीचे से आवाज़ लगा रही है, देखो हम आ गए अब कच्चे रास्ते से, तो हिलने लगी हुई थी लेकिन हमने बहुत मस्ती की थी यहाँ पे। तो हमारे साथ थी वो नीनू दीदी भी, तो वो बहुत अच्छे गाने बोलते थे। तेरे बिना मैं क्या मेरे बिना तू क्या एक दूजे दिन हम अकेले।
दोनों के मन से मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले वाह 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 बिना में क्या मेरे बिना तू क्या एक दूजे में हम अकेले दोनों के मन के मिलन से लगते हैं मन के मेले इसलिए मैंने आज आपको पूरी वीडियो दिखा रही हूँ धाम बोलने की। देखो हम कितने मतलब खुशी खुशी मस्त होके जाते हैं। तो पहले भी मैं वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन वो पूरी नहीं दिखी थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। हमने देखा बहुत अच्छी यहाँ पे आ रहा था खुला खुला, क्योंकि ये देखो जो हम खड़े हैं ना जहाँ पे, यहाँ पे हमें धान लगता है। तो धान मतलब जिसमें चावल निकलते हैं, तो ये खेत हैं। तो ये आज बहुत अच्छे दिख रहे थे, तो हमने सोचा यहाँ पे भी वीडियो बना लेते हैं। अब पहुंचे हम लास्ट जैसे घर में, तो वहां पे लगे धाम बोलने। काला जिदा जिन्नू है तकाने तेल आई है तई तुसन टपरे दाम तू सब जिदिए जे ठीक है और एंजॉय के तमाचो के तुशे माथे लाए तुशे पोटले लाए तुसे ए जिन्नू है ना बूजी बूजी दूर दूर गाने तुस हां दूर दूर है ने तू हां ब्लॉग ना ना ठीक है। तो यहाँ पे भी ये धाम बोल रहे हैं। तो मैं इन दीदी को बोल रही थी, ये इनको पहले भी सत्संग वाली वीडियो में ना पूरा नहीं इनकी वीडियो आई थी, मैंने कहा आज मैं आपको अच्छी तरह से वीडियो मिलाती हूँ। फिर लगी मेहंदी, अब था मेहंदी का फंक्शन। सीधे रात को हम आए तैयार होके, तो मैं अभी मेहंदी लगनी थी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर रीति रिवाज है ना, यहाँ पर भाभियाँ जो हैं दूल्हे के पाँव धोती हैं। यह है मासी दूल्हे की माँ निपुण की मम्मा। तो ये आए मेहंदी लगा लेके, तो ये चाची हैं पीछे से, इन्होंने लाया था मीठा। तो अब सबसे पहले मेहंदी लगाने से पहले दूल्हे की जो माँ होते हैं ना, वो मेहंदी वाला हाथ दीवार पे लगाते हैं, ये हमारे में शुभ होता है। तो अब इन्होंने लगाया हाथ मेहंदी वाला, तो उसके बाद इनको लगी थी पग इनके सर पे। मैंने कहा आप लगाओ ज़रा, इतनी सुंदर दिख रही। तो ये बोलते मत वीडियो मत बनाना, मैंने बना ली। तो लेकिन देखो इनको कितनी प्यारी लग रही थी, तभी मैंने भी ये वीडियो में ही रखी। मैंने कहा देखो कितना अच्छा, बाद में देख बोलते क्यों लगाई है, हंस रहे। फिर उसके बाद में और बरखा के मेहंदी लगाने। ये जो साथ में होता है ये, इसको बोलते हैं हम पटमारा। ये है दूल्हा जिसको गले में गोल्ड का लगा, वो दूल्हा। तो जो साथ में बैठा है वो पटमारा। दूल्हे के साथ एक लड़का जो होता है ना, वो जरूरी होता है जब तक शादी होती है, तो उसको पटमारा साथ में ही होता है। दूल्हे को बोलते हैं अकेला नहीं छोड़ते। तो ये हम फिर लगे हम फोटो में और बरखा फ़ोटो खींचने। उसके बाद फिर आगे हम घर। अब है कल का फंक्शन।